ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी पोएट्री है, जिसका नाम है कान भये बस बांसुरी के। भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे परम भक्त हैं, जिसमें नरसिंह मेहता है, मीराबाई है और सूरदास जी भी है। पर एक ऐसे भक्त कवि के बारे में हम बात करेंगे जो कि थे तो मुस्लिम धर्म वाले, पर उसकी भक्ति की शक्ति इतनी पावरफुल थी कि वो ईश्वर के, भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त में से एक बन गए। और आज वही भक्त कवि के बारे में स्टैंडर्ड 12 GSAB कान भये बांसुरी के हम उसके पोएट्री को समझेंगे और साथ में समझेंगे उसके क्वेश्चन आंसर और ग्रामर को भी। तो ध्यान से समझते हैं और एंड में आपको एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन और आइडिया भी बताता हूं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम रस खान जी के बारे में। रस खान जी का ओरिजिनल नाम था दैट इज सैयद इब्राहिम जी, ठीक है। एंड वो दिल्ली के अंदर आया हुआ पठान परिवार के अंदर उसका जन्म हुआ। बचपन से धर्म से वो थे मुस्लिम, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति उसको ऐसी भा गई, ऐसी राज आ गई कि वो बन गए भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त। गोस्वामी जी विठल दास जी को शिक्षा दीक्षा देने के बाद वो व्रज में रहने लगे एंड भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में उसने अनेक पद यानी कि भजनों की रचना की। ये मुसलमान कवि कृष्ण भक्ति के लिए अत्यंत ही सराहनीय है। उसकी रूप माधुर्यता, व्रज की महिमा, राधा कृष्ण और प्रेम लीला का वर्णन इतना बढ़िया है कि उसकी कविता के अंदर, पद के अंदर हमेशा आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य की अनोखी संगम आपको दिखाई देता है। और इसकी दो किताबें प्रसिद्ध हुई, जिसमें दोनों का नाम कुछ इस प्रकार से है, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। खास याद रखिए और अंडरलाइन करिए, सुजान रसखान एंड प्रेम वाटिका। तो ये तो हो गए हमारे महान श्री कृष्ण भक्त, हमारे रसखान जी के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं पोएट्री में क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो पद है वो कुछ इस प्रकार से है, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निसिधोस रहे संग साथ लगी, यह सोतिन तापन क्यों सही है। जिन मोही लिया मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दहिए। मिली आओ सबे सखी, भागी चले अब तो ब्रज में बांसुरी ही रहिए। तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण के बहुत सारे भक्त थे, उसमें गोप है, गोपी है, गाय है या बछड़ी है, नदी है या फिर पेड़ है, हर एक भगवान श्री कृष्ण के दीवाने या फिर भक्त थे। तो यहाँ पर जो ब्रज में रहने वाली गोपियां है, ब्रज नारी है, उन लोगों को परेशानी है बांसुरी से। उसको ऐसा लगता है कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा इस बांसुरी को अपने पास लगा के रखते हैं। कभी कमर पे होती है बांसुरी, तो कभी हाथ पे, तो कभी मधुर से रसीले होठ पे यानी कि अधर पे। भगवान श्री कृष्ण के पास रहने वाली इस बांसुरी से सारी की सारी गोपियों को हो जाती है जेलसी, ईर्ष्या हो जाती है। और इसलिए यहाँ पर सारी की सारी गोपियां मिलकर कहती है कि अब हम यहाँ से ब्रज से चले जाते हैं, कृष्ण रहो तुम बांसुरी के साथ एंड बांसुरी तुम रहो कृष्ण के साथ, अब हम ब्रज में नहीं रहेंगे, हे बांसुरी तुम ही यहाँ पर रहना। अब इस पद को हम इजीली समझने के लिए यहां पर बताया गया है कान्ह यानी कान्हा भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण अब बांसुरी के बन गए हैं। यहाँ पर सारी गोपियां इकट्ठी होकर कहती हैं कि अब कौन सखी हमको चाहिए है, हमें कौन पसंद करेगा, भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा बांसुरी के साथ ही घूमते रहते हैं। निसी धोस, निसी का मतलब होता है रात और निशा से बना हुआ शब्द है, धोस मतलब होता है दिन, रात दिन बांसुरी के साथ ही भगवान श्री कृष्ण रहते हैं। रहे संग संग साथ लगी, यह स्वतन है हमारी जो हमें बहुत परेशान करती है, हमारे कृष्ण को हमसे दूर करी है, तो इसका जो ताप है, इसका जो दुख है वो हम सहन करने वाले नहीं है। जिन मोह लिया, ये बांसुरी ने हमारे भगवान श्री कृष्ण को, मनमोहन को, जो हमारे मन को मोहने वाला भगवान श्री कृष्ण है, उसने हमें, इस बांसुरी ने उसको मोह लिया है। इस तरह से रसखान जी कहते हैं कि हमें अब कोई चाहेगा नहीं, बस बांसुरी को ये सब चाहते हैं। इस तरह से सारी सखी मिलकर कहती है अब हम यहाँ से भाग चलेंगे,
अब हमें ब्रज में नहीं रहना है, हमें तो यहाँ पर अपना कृष्ण ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर कोई चाहता ही नहीं है, तो यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये था फर्स्ट पद। अब बात करते हैं सेकंड पद के बारे में। सेकंड पद यानी कि सेकंड पोएट्री। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माला गरे पहना रोगी, ओढ़ी पितबर ले लटुकी, बस गोधन ग्वारन संग फिरोगी, भाव तो वो ही मेरे रसधानी, सो तेरे कहे सब सांग करोगी, या मुरली मुरली धर की, अधरा धन धरी अधरा न धरोगी। यहां पर इस पोएट्री में कहना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का स्वांग रचाकर, स्वांग का बोले तो हुलिया, ऐसा ड्रेसअप करना, और ऐसा ड्रेसअप करके सारी की सारी गोपियां कहती है कि अब हमें भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आने का वादा तो करके गए थे कि मैं वापस आऊंगा वापस आऊंगा, पर जब से मथुरा गए, मथुरा से हस्तिनापुर, और फिर तो चले गए द्वारिका, वापस आए नहीं आए नहीं। पर अब हम क्या करें, हमें तो कृष्ण चाहिए ही चाहिए। तो अलग अलग गोपियां हर रोज नया नया स्वांग, भगवान श्री कृष्ण के जैसा कपड़ा पहनती है, भगवान श्री कृष्ण के जैसा हुलिया करती है, और इसीलिए माथे पे मोर पंख रखती है, गले में लंबी सी घुटनों तक की माला होती है ना, उसको गुंजे की माला, गुंज की माला, बैजंती माला ऐसा कहते हैं। उसमें पांच अलग अलग प्रकार के फ्लावर होते हैं, पांच अलग अलग कलर के। तो कहते हैं कि गले में गुंज की माला पहनेगी, माथे पे मोर पंख रखेगी, और येलो कलर का जो होती है ना धोती, उसको पीताम्बर कहते हैं, पीताम्बर पहनेगी, हाथ में लकुटी यानी कि लकड़ी रखेगी, और वन में जंगल में गायों को चराने के हिसाब से हो जाएगी। इस तरह से 100% वो भगवान श्री कृष्ण के जैसा ही स्वांग रचाएगी, और सभी गोपियों को रिझाती रहेगी कि चलो कृष्ण नहीं तो यही सही, हमारे लिए तो यही भगवान श्री कृष्ण है। भाव तो मोरी रसधानी, सो तेरे कहे सब सांग, इस तरह से सारे के सारे के अलग अलग दिन अलग अलग बारी आती है, गायों को चराने की, लगती पकड़ने की, पीताम्बर धारण करने की। परंतु जो गोपियों ने अपनी सौतन बना रखी है, वो मुरली के लिए यहाँ पर बताते हैं कि हम सब कुछ धारण करेंगे, पर जो मुरलीधर की मुरली है उसको तो नहीं धारण करेंगे, क्योंकि इस मुरली ने ही हमसे दूर कर दिया हमारे भगवान श्री कृष्ण को। एक तो ये मतलब बनता है, और दूसरा मतलब ये भी बनता है कि यहाँ पर गोपियों का जो भक्ति है, जो प्यार है, वो बहुत ही प्योर है, पवित्र है। इसलिए कहते हैं कि जो मुरली को भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पे लगा के रखा था, हम उसको अपने होठों पे कैसे लगा सकते हैं। अधरा धन, अधर का मतलब होता है होठ, धरी ना अधरा धरोगी, हम उसको कभी भी अपने होठों पे नहीं रखेंगे, क्योंकि ये तो हमारी सौतन भी है और ये हमारे भगवान श्री कृष्ण की प्रिय है, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पे लगाया है तो हम नहीं लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे दोनों पद। अब बात करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ये पद बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल तरीके से बताए गए हैं। नाउ यहाँ पर लॉन्ग आंसर की सबसे पहले बात करेंगे। सब इस तरह आंसर जब भी लिखते हैं तो हो सके तो उसको पॉइंट वाइज याद रखो, तीन पार्ट में डिवाइड करो। पहला पार्ट इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट जो रहेगा दैट इज मेन आंसर, एंड लास्ट में जाएगा क्वेश्चन को रिपीट करना। पर रिपीट करो उससे पहले हमेशा इस तरह, इस प्रकार, इस तरह से करके लिखना चाहिए। नाउ पहला क्वेश्चन क्या है, गोपिया कृष्ण की मुरली को अपनी सौत यानी सौतन क्यों समझती है। तो उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण मुरली को हमेशा अपने साथ ही रखते थे, इसलिए गोपियों को मुरली से ईर्ष्या जलसी होती है, उसे लगता है कि बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अब कृष्ण उन्हें क्यों चाहेगा। बस बांसुरी हमेशा उसके साथ लगी रहती है और गोपिया उस पर धौंस जमाती रहती है, कृष्ण का मोहित करके ये सदा उससे जलती रहती है। इस तरह से मुरली की गहरी ईर्ष्या के कारण से गोपिया मुरली को अपनी सौतन यानी कि सौत समझती है। क्वेश्चन नंबर टू को लेते हैं, एंड यहां पर भी आपको यही ध्यान रखना है, थ्री पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कृष्ण ने वियोग में गोपिया किस प्रकार स्वांग यानी कि हुलिया रचेगी, कैसे। कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपिया स्वयं कृष्ण का वेश धारण करती है और अपने मन को बहलाती रहती है। कृष्ण का वेश धारण करने के लिए वे सर पे मोर पंख का मुकुट पहनती है, गले में घुंघची या बैजंती माला भी पहनती है, अपने कंधे पर पीताम्बर ओढ़ती है,
और छोटी सी हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के साथ जंगल में वन में चरती रहती है, जहां पर गायों के चराने का अभिनय भी करती है। कृष्ण को जो भी पसंद था वो सब कुछ करती है, परंतु जिस बांसुरी को भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों से लगाकर रखा था उसे कभी भी वो अपने होठों पे नहीं रखती है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के वियोग में गोपियां इस तरह से स्वांग हुलिया यानी कि पहनावा करती है। अब उसके बाद बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। गोपियां बांसुरी से क्यों ईर्ष्या करती है, या रसगान के दोनों सवैये में आधार के द्वारा बताओ। सवैया जो पद थे ना, पद उसको सवैया भी कहते थे, है ना। तो ये जो सवैया है एक मिष्ठान के आधार पे उसका नाम बना है। जैसे सवैया खाने में मीठी होती है, उस तरह से ये पद, ये भजन भी बहुत ही मीठे और प्यारे होते हैं, है ना। तो गोपियां कृष्ण से अत्यंत प्रेम करते थे, उसे यह स्वीकार नहीं था कि कोई कृष्ण और उसके बीच में आ जाए। बांसुरी उन्हें और कृष्ण के बीच में बाधा डालती थी। उसे लगता था कि बांसुरी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में यानी कि हिप्नोटाइज करके उससे दूर कर दिया है। बांसुरी के वश में होकर कृष्ण अब गोपियों के साथ नहीं रहते हैं या उसको नहीं चाहते हैं। बस वो यही चाहती है कि कृष्ण उसके यानी कि गोपियों से दूर हो जाए। कृष्ण को अपना बनाकर वो हमेशा दोष जमाएगी और उसे नीचा दिखाएगी। हम कृष्ण के वियोग में जितना जलेगी उतना ही उसको मजा आएगा। इसलिए बांसुरी के इस रवैये के कारण से गोपियां उसे ईर्ष्या यानी कि जेलसी करती है ना। अब इसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन। कृष्ण के स्वांग में गोपियों का वर्णन कीजिए। तो गोपियां किस प्रकार से कृष्ण को पाना चाहती है, जैसे वियोग में कृष्ण का स्वांग रचाकर उसे पाने की पूरी कोशिश करती है। इसलिए स्वयं कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। इसके लिए वो अपने सर पे मोरपंख पहनती है, घुंघची की माला है, शरीर पर पीताम्बर है और हाथ में लकुटी लेकर ग्वालों के साथ जंगल में गाय भी चराने जाते हैं। इससे वो कृष्ण भगवान के जो भी कार्य करते थे वो सारे कार्य करती है। जैसे कृष्ण को एक ही प्रॉब्लम था कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा मुरली से अपने पास रखते थे, जिससे उसको ईर्ष्या थी, इसलिए वो उसको अपने होठों से नहीं धारण करते। ठीक है, अब बात करेंगे हम अपने टू लाइन आंसर के बारे में। टू लाइन आंसर जब भी आप बच्चों लिखो तो हमेशा राइट हैंड साइड में आप सबसे पहले पोएट्री का नाम लिखिए, है ना। उसके बाद उसके जो ऑथर या पोएट है उसका नाम लिखिए, एंड देन साहित्य प्रकार, और उसके बाद आपको आंसर लिखना है। यहाँ पर प्रश्न 1 है, गोपिया कृष्ण का कौन सा स्वांग रचती है। तो गोपिया अपने सिर पर मोर पंख धारण करती है, गले में घुंची माला है, कंधे पे पीताम्बर है, हाथ में छोटी सी लाठी है, ये रूप ग्वालों के संग वन में गायों को चराने जाती है। इस तरह से गोपियां कृष्ण के गांव को चराने के लिए स्वांग रचती है। क्वेश्चन नंबर 2, गोपियां कृष्ण की बांसुरी को अपने होठों से क्यों नहीं रखना चाहती है। तो गोपियों का मानना है कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं और वो अपना नहीं चाहते हैं। इस प्रकार से कृष्ण की बांसुरी उसकी सौतन है और उसके रूप में उसको देखते हैं, इसलिए सौतन को डाह के कारण से गोपियां बांसुरी को अपने होठों पे नहीं रखना चाहती। क्वेश्चन नंबर 3, गोपियां व्रज से क्यों भाग जाना चाहती है। तो बांसुरी हमेशा कान्हा के पास रहती थी, इससे गोपियों को बांसुरी से ईर्ष्या जेलसी होती थी। वे कहती थी कि कृष्ण बांसुरी के वश में हो गए हैं, इसलिए अब वे गोपियों को नहीं चाहेंगे, वह बांसुरी को कृष्ण के साथ ही सदा रहेंगे। इसलिए गोपियां व्रज में रहेगी और बांसुरी को रोबदास सहना पड़ेगा, इससे सोतिया डाह का सामना करना पड़ेगा, इसलिए गोपिया व्रत से भाग जाना चाहती है। अब इसके बाद बात करेंगे वन लाइन आंसर, जो बहुत ही प्यारे एंड बहुत ही इजीली लर्न कर सकते हैं, ऐसे है। क्वेश्चन नंबर 1, कृष्ण को किसने मोह लिया है। बहुत ही अच्छा आंसर है, बांसुरी ने। गोपिया कृष्ण की मुरली को क्या समझती है, तो कि सौतन समझती है। कृष्ण सिर पर कौन सा मुकुट धारण करते हैं, मोरपंख का। कृष्ण ने गले में कौन सी माला पहन रखी है, तो कि घुंघची लाल लाल दानों वाली माला। किसके कहने पर गोपियों का स्वांग कर रही है, तो गोपिया के कहने पर गोपी कृष्ण का स्वांग रचती है। गोपिया स्वांग में कृष्ण की किस वस्तु का उपयोग नहीं करेगी, सब कुछ इस्तेमाल करेगी पर मुरली का उपयोग नहीं करेगी। अब ब्रज में कौन रहेगा, अब ब्रज में बस बांसुरी, तू अकेली रहे, हम तो नहीं रहेंगे, ऐसा गोपिया कहती है। अब बात करेंगे एमसीक्यू के बारे में। यहाँ पर है, कृष्ण किसके हो गए हैं, तो बहुत ही इजी आंसर है, गोपिया ब्रज में छोड़कर क्यों भाग जाना चाहती है। एमसीक्यू देखो, एन गोपिया किसकी बनी माला पहनेगी, एमसीक्यू देखो। अब इस तीनों का आंसर यहाँ पर देखते हैं। नंबर 1 में है बांसुरी,
नंबर टू में है ब्रज में बांसुरी के आने से, और नंबर थ्री में है गुंजे की माला। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं हम सीधा ग्रामर के ऊपर, यानी कि समानार्थी पर्यायवाची शब्द। हमेशा जितने ज्यादा पर्यायवाची शब्द इकट्ठा कर सको उतना करिएगा, क्योंकि क्या है, कोई भी हो सकता है। लाइक समझ लो कि सूर्य पूछा, तो सूर्य, भानु, दिवाकर, भास्कर, दिनकर, बहुत सारे वर्ड है उसके, है ना। अब आपको दिनकर पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, भास्कर या आदित्य पूछ लिया तो कंफ्यूज हो जाओगे। सो पर्यायवाची जितने हो सके उतना लर्न करते रहो, नोटबुक में लिखते रहो, और इससे आपका नॉलेज पावर और पावरफुल होगा। ठीक है, तो नंबर वन बांसुरी का मतलब होता है मुरली, निशी धोष का मतलब होता है रात दिन, ताप का मतलब होता है गर्मी या फिर वियोग, मनमोहन भगवान श्री कृष्ण का नाम है, सदा यानी हमेशा, दाहना मतलब जलाना, गुंज यानी पुष्टि, पीताम्बर यानी पीला वस्त्र, लकुटी यानी लाठी, संघ का मतलब साथ, एंड लास्ट है अधर का मतलब होता है फुट। अब बात करेंगे ऑपोजिट एंड शब्द समूह के बारे में। सबसे पहले ऑपोजिट ले लेते हैं, यानी कि विरोधार्थी विलोम शब्द। रात का होगा दिन और साथ का होगा अलग, ऊपर का होगा नीचे। अब बात करेंगे शब्द समूह के लिए। शब्द समूह के लिए एक शब्द दो तो सूर्योदय यानी कि सनराइज से लेकर सनसेट के समय को क्या बोलेंगे, तो के दिन कहेंगे। अब सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के समय को क्या बोलेंगे, तो रात कहेंगे। याद रखिएगा, सनसेट टू सनराइज, सनराइज टू सनसेट। ओके, नंबर थ्री, पति की दूसरी पत्नी को कहेंगे सौत या फिर सौतन, मन को मोहने वाला मोहन या फिर मनमोहन, बालकृष्ण की लीला भूमि यानी कि व्रज, एंड पीला वस्त्र को कहेंगे पीताम्बर, गाय के समूह को कहेंगे गोधन, और दूसरों को वेश धारण करने वालों को कहेंगे स्वांग रचाना यानी कि स्वांग, है ना। अब इसके बाद बात करते हैं अशुद्ध वाक्य रचना। यहाँ पर आपको अशुद्ध यानी कि गलत सेंटेंस देंगे, जिसमें लिंग है, वचन है, विशेषण है, क्रिया के रिगार्डिंग बहुत सारी गलतियां हैं, जिसमें यहाँ पर आपको दिए है टोटल 7। अब इसके यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं 7। कृष्ण तो अब बांसुरी के हो गए हैं, बांसुरी को गोपियां अपनी सौतन मानती है, मुरली गोपियों का मन मन जलाती है, गोपियां ब्रज में नहीं रहना चाहती, ब्रज में अब केवल बांसुरी रहेगी, गोपियां गाय चराने जाएगी, और गोपियां मुरली से ईर्ष्या करती है। तो ये थे हमारे ग्रामर, वन लाइन आंसर, MCQ, लॉन्ग आंसर एंड टू लाइन आंसर के साथ फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम नंबर 3, जिसका नाम था, क्या नाम था, याद है ना, कृष्ण भये बस बांसुरी के। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, अकेली नाम का चैप्टर है, जिसके अंदर एक मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सोमा बुआ। हाँ, तो सोमा बुआ की कहानी बहुत ही प्यारी है, हम एक्सप्लेन करेंगे और साथ में करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर भी। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस पोएम के रिगार्डिंग, नीचे कमेंट्स कीजिए, और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको MCQ की टेस्ट का लिंक, जो आप गूगल फॉर्म पे दे सकते हो, और आप आइडिया लगा सकते हो कि आपको कितने मार्क्स आ सकते हैं इस पोएम में से। ठीक है, हो सकता है कि MCQ के द्वारा भी आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। तो बताइए कैसा लगा आज की पोएट्री क्वेश्चन आंसर, मुझे कमेंट्स करके बताएगा, और अच्छा लगा हो तो 4 लोगों तक जरूर पहुंचाइए, ये भी एक मेरी तरह सेवा का काम आपका भी है। तो तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।